नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक नए चैप्टर पर चर्चा करूंगा। आप लोग को बता दूं कि पार्ट बी जो क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसका पार्ट बी सब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर जो था नेशनल इनकम के बाद का चैप्टर नंबर 2, यहाँ जैसे देख रहे हैं आप मैक्रो लिख दिए हैं, मैक्रो का ये यूनिट 2, ये चैप्टर आप लोग का छूटा हुआ था। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है आय एवं रोजगार का निर्धारण, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आज चर्चा करेंगे वो है सामूहिक मांग क्या है, यानी कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। तो 2-3 दिन आप लोग वेट करेंगे, देखेंगे, हमको लगता है इस सप्ताह में आप लोग का कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा चैप्टर नंबर 2। आज का जो क्वेश्चन है वो है सामूहिक मांग क्या है। एक क्वेश्चन इसी तरह से और बनता है, सामूहिक पूर्ति क्या है। तो सामूहिक पूर्ति को सिलेबस से बाहर किया गया है इस साल के लिए, जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से आपको सामूहिक पूर्ति को नहीं करना है, लेकिन सामूहिक मांग को आपको देख लेना है। सामूहिक मांग क्या है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे या कुछ और बोर्ड पर हम करके दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कोई देश है, ठीक है, तो इस देश में बहुतों तरह के वस्तु का मांग होता है। एक छोटा सा सुई से लेकर के हम बात करें तो बड़े जहाज तक क्या जी मांग होता है। तो सुई का मांग करें या जहाज का मांग करें या कपड़ा का मांग करें या सोना का मांग करें, नहीं सोना चांदी का मांग करें, तो देश में जितने चीज़ों का मांग होता है वो सभी मांग को जोड़ दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, आपका सामूहिक मांग कहलाएगा। लिखा हुआ डेफिनेशन, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग को सामूहिक मांग कहते हैं। ये एक अर्थव्यवस्था है, इसमें जितने भी वस्तु या सेवा है उसके कुल मांग को हम क्या कर रहे हैं, सामूहिक मांग कह रहे हैं। हाँ, इससे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी मांग के बारे में पढ़ा था, डिमांड के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था वो किसी एक व्यक्ति के लिए था, ठीक है, वो एक व्यक्ति के लिए था या एक बाजार के लिए था, ना कि पूरे देश के लिए था। माइक्रो में जो पढ़े मांग क्या है, मांग की परिभाषा जिसमें बताते हैं कि एक निश्चित समय में और एक निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं, या एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर एक उपभोक्ता वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने को इच्छुक होता है, तैयार होता है, उसे हम मांग कहते हैं, और फिर व्यक्तिगत मांग के योग को बाजार मांग कहते हैं। तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का था। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे देश की मांग की बात कर रहे हैं। आपको माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस में पता होगा कि यदि मांग किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड हो या एक बाजार तक सीमित हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कहिए अंग है, एक पार्ट है, उसका वो एक तरह से एलिमेंट हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन कोई भी टर्म, कोई भी केस इशू, वो अगर पूरे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो, सबसे जुड़ा हुआ हो, सबों की बात करें, पूरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था की बात करें, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था, तो हम एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, एक बाजार की बात नहीं कर रहे हैं, यानी पूरे देश की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ अर्थव्यवस्था मेंशन है। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था, इसमें जितने भी वस्तु और सेवा का मांग होगा वही क्या कहलाएगा, सामूहिक मांग कहलाएगा। इसको इंग्लिश में अगर देखें, टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड। जितने भी गुड्स और सर्विस का एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक वित्तीय वर्ष में, आप लोग को पता ही होगा 1 अप्रैल से लेकर के कितना तक होता है, 31 मार्च तक का जो समय होता है वही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल ईयर। तो इस बीच में जितने भी वस्तु का, गुड्स का और सर्विस का डिमांड होगा वो आपका कहलाएगा एग्रीगेट डिमांड। इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो ध्यान देंगे, AD इक्वल टू C प्लस I। यहाँ AD का मतलब हो रहा है एग्रीगेट डिमांड, C का मतलब हो रहा है कंजप्शन, और I का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। इसको ऐसे भी देखिए, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति को ही ले लीजिए, वो अगर डिमांड करेगा
एडी तो है ही यहाँ पर, तो वो डिमांड जो करता है, हम आप ही डिमांड करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि कपड़ा, कपड़ा का डिमांड किए तो कपड़ा पहनते हैं और वो उसका वैल्यू डिप्रिशिएट करता है, वो कपड़ा खत्म हो जाता है। ऐसे चीज़ों का मांग कंजप्शन में आता है, सी फोर कंजप्शन यानी उपभोग में। लेकिन अगर आप गोल्ड को खरीद लेते हैं यानी सोना को खरीद लेते हैं तो सोना का भी मांग किए तो ये इन्वेस्टमेंट में आएगा। याद रहे, कपड़े पर जो खर्च हुआ वो कंजप्शन में आया, लेकिन सोना चांदी पर जो खर्च हुआ वो क्या आया, इन्वेस्टमेंट में। लेकिन मांग तो ये भी है, मांग ये भी है, यानी कि जो देश में मांग होता है कुछ उपभोग के पर्पस से और कुछ मांग होता है निवेश के पर्पस से, और दोनों पर्पस को जोड़ दीजिएगा तो पूरे देश का मांग निकल जाएगा। एडी इक्वल टू सी प्लस आई। अब अगर हम एक दूसरे क्वेश्चन पर बात करें तो उसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो सामूहिक मांग के जगह थोड़ा सा हम चेंजिंग कर रहे हैं, ये पूर्ति क्या लिख दिए, सामूहिक पूर्ति क्या है। और जब सामूहिक पूर्ति की बात होगी तो एडी के जगह अब यूज होगा एएस, एग्रीगेट सप्लाई। हालांकि ये क्वेश्चन आपको इस बार जो रिड्यूस सिलेबस है 2021 का जो एग्जाम मई में होने वाला है उसमें, जैक बोर्ड की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें सामूहिक पूर्ति क्या है ये नहीं पूछेगा। लेकिन आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर आपको एडी को भी समझना जरूरी हो जाता है, एएस को भी समझना जरूरी हो जाता है, इसलिए बहुत कम समय लगेगा, 2 मिनट में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें चेंजिंग क्या करना है थोड़ा सा देखिए। यहीं पर एक बार फिर से बात कर लें कि जैसे अभी हम बताएं कि कोई देश है, इस देश में आप कपड़े से लेकर, कपड़ा को ले लीजिए या सोना को ले लीजिए या आप भोजन को ले लीजिए, और यहां पर हम मकान का ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे भी होता है, ये भोजन हो गया, ये वस्त्र हो गया, ये आवास हो गया, इस तरह की चीजों का तो हम लोग मांग करते ही हैं। तो इनका मांग क्या कहलाया, एग्रीगेट डिमांड कहलाया। लेकिन यहां पर हमारा बात हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई का, तो इसका मांग किए तो इसका उत्पादन भी तो हुआ, इसका भी तो उत्पादन हुआ, इसका भी तो उत्पादन होता है, इसका भी तो उत्पादन होता है। जिस चीज का उत्पादन होता है उसी चीज का तो हम लोग मांग भी करते हैं। तो यहां पर हम जिस चीज को खरीदते हैं वो मांग में आ रहा है, लेकिन जिस चीज को हम बनाते हैं उसको हम किस में रखेंगे, उत्पादन में रखेंगे, उसको हम एक तरह से पूर्ति में रखेंगे, यानी प्रोडक्शन कहें या सप्लाई कहें। तो यहां पर आपको चेंजिंग क्या करना है कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग के जगह पर, ये जो कुल मांग है यानी मांग के जगह पर आपको थोड़ा सा चेंजिंग कर देना चाहिए, उत्पादन कर दीजिए, उत्पादन कीजिए या तो आप पूर्ति कीजिए, एकदम थोड़ा सा। देखिए जहां जहां ब्लू लाइन आपका दिया हुआ है वहीं पर चेंजिंग करना है, क्योंकि ये डिमांड को इंडिकेट कर रहा था, डिमांड को लेकर चल रहा था, अब हमको किस में लेकर चलना है, सप्लाई में लेके चलना है। तो जहां जहां पर आपका ब्लू है वहीं पर आपको चेंजिंग लाना है। तो यहां पर मांग था, मांग के जगह हम क्या कर दिए, उत्पादन। और नहीं अगर ऐसा आपको दिक्कत होता है तो मांग का जस्ट उल्टा हम लोग क्या पढ़ते हैं, पूर्ति। तो मांग लिखें या उत्पादन लिखें या पूर्ति लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल पूर्ति को सामूहिक और फिर मांग के जगह क्या कर देंगे, पूर्ति कहेंगे, ठीक। और इंग्लिश में जब करेंगे तो डिमांड के जगह फिर यहां पर क्या कर देना है, अगर उत्पादन लेके चलते हैं तो प्रोडक्शन लिखें, पूर्ति लेके चलते हैं तो सप्लाई लिखें, तो सप्लाई ही कर देते हैं। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर इज टर्म एज, फिर डिमांड के जगह आपको क्या कर देना है, सप्लाई कर देना। और यहां पर जो एडी था, अब एडी के जगह आपको क्या कर देना है, एएस इजकल टू सी प्लस आई के जगह आपको कर देना है एस, यानी एएस इजकल टू सी प्लस एस। और यहां पर भी डी के जगह आपको कर देना है एस, और यहां डिमांड के जगह आपको क्या कर देना है, सप्लाई, और मांग के जगह फिर क्या हो जाएगा आपका, पूर्ति। ये सी कॉमन है, दोनों में था, डिमांड वाला में भी था और सप्लाई वाला में भी है, तो ये रहने देते हैं, ये रहने देते हैं एस। अब यहां पर आई के जगह आप कर दीजिए एस, या पहले से आपका आई है ही, रहने देते हैं एस। और एस फोर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होकर के आप क्या हो जाएगा, सेविंग, क्या हो जाएगा जी,
सेविंग, ये सेविंग है SAVING सेविंग, और यहां निवेश की जगह आप क्या लिखिए, बचत। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में जितने भी वस्तु और सेवा बनकर के तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और जान लीजिए, AS इक्वल टू Y होता है, यानी जितना AS होगा एग्रीगेट सप्लाई होगा उतना ही इनकम होगा। क्योंकि आप जैसे निकालते थे GDP, तो GDP में बोलते थे कि ये देश का GDP निकालना है, तो इस देश में जितने वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ उसके मूल्य को जोड़ दीजिए तो वो GDP कहलाएगा। तो एक तरह से जो GDP है वही तो एक तरह से देश का क्या है, आय भी है। तो ये इसका मतलब है कि Y इक्वल टू क्या होता है, AS होता है, यानी जितना AS होगा जितना सप्लाई होगा देश में या जितना देश में प्रोडक्शन होगा उतना ही देश में क्या होगा, इनकम होगा। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि सामूहिक पूर्ति। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा इस बार, लेकिन आगे कहीं अगर AS का AD के साथ जोड़ करके हमको कुछ क्वेश्चन में देखना होगा तो फिर वहां पर काम आ सकता है। इसलिए थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, इस चीज को आप लोग अपने कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।